जैसा बट टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है گفتگو और हमारे साथ हैं आज बहुत ही खास मेहमान मशहूर वैज्ञानिक और फिल्मकार वेदব্রত पाइन वेदव्रत पाई एक युवा वैज्ञानिक और फिल्मकार जिनकी पहली फिल्म चितगों स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय प्रतिरोध की कहानी कहती है देशला, देशला, देशला। कुछ बेहतरीन एक्टरों और सहयोगियों के साथ चितागौ बनाने से पहले नासा में 18 सालों का कामयाब करियर गुजार चुके हैं अंतरिक्ष से लेकर दैनिक जीवन की तस्वीरों को कैद करने की एक नई तकनीक के आविष्कारक हैं पाई। आज लगभग सतासी आविष्कारों के पेटेंट उनके नाम है और विज्ञान उनकी नसों में खून की तरह बहता है खून में ही शामिल है कला साहित्य और संस्कृति भी रहते हैं हैं। अपना जीवन प्रकाशित रखते बचपन से ही मेधावी छात्र रहे वेद व्रत की जड़ें पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से जुड़ी हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे वेद व्रत प्रयोगों से कभी पीछे नहीं हटे चितागोंग भी उनका एक ऐसा ही साहसिक प्रयोग है भारतीय साहस और प्रतिरोध की कहानी बेदो हमको बताइए कि एक वैज्ञानिक के रूप में एक कामयाब करियर गुजारते हुए अचानक फिल्में बनाने की आपको क्या सूझी मैं तो ये मानता हूँ कि लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं यानी कि सिर्फ़ एक ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक है वो मतलब आर्ट और कल, कल्चर के बारे में कुछ कह नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते ऐसा तो मैं मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि एक विज्ञान में भी क्रिएटिविटी है और यहाँ भी क्रिएटिविटी है जो नहीं है उसको सबके सामने लाना mm -hmm. ये दोनों चीज़ों में है विज्ञान में भी है और आर्ट्स में भी है mm -hmm. तो वही मैं करता रहा हूँ <laughs> तो आई वॉज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन इन लिबरल आर्ट्स फ्रॉम चाइल्ड हुड आइज टू पेंट कहानी सुनाने का आदत था mm -hmm. माय मदर यूज टू से आई लव टेलिंग स्टोरीज और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं मैं जब भी मैं कोई कहानी बताता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे सामने आँखों के सामने वो कुछ चल रहा है mm -hmm. uh, तो वही तो फिल्म की असली चीज़ है ना mm -hmm. एक कहानी है और विजुअली उसको दिखाना है तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू आई ऑलवेज वांटेड टू टेल अ स्टोरी वांटेड टू टेल दैट इज इंटरेस्टिंग mm -hmm. जैसे कि अब किताब को लेके आप एक पन्ने पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि आगे क्या है mm -hmm. एक फिल्म में भी ऐसा है mm -hmm. एक फ्रेम देखेंगे तो उसके बाद आगे क्या होगा mm -hmm. अगर वो नहीं है तो उसका फिल्म का वो वो आर्ट का कोई माने नहीं है। हैविंग डन ऑल दिस थिंग्स पेंटिंग सिंगिंग थिएटर तो अचानक ही इन्वेंशन हो गया थोड़ा पीछे जाकर अगर हम आपके बचपन को तलाशें और फिर आपका साइंस की तरफ रुझान और आखिरकार आपका Uh, शायद नासा में कहते हैं कि आप एक हॉल ऑफ फेम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते रहे जहाँ लोग uh, गलियारों से गुजरने पर uh, आपके आपको देखकर अपनी uh, टोपियाँ उतार कर नीचे रह जाते। कुछ वो तो वो वो जो अगर बचपन से इस कामयाब करियर का एक थोड़ा सा स्केची खाका हमारे लिए खींचे हैं आप आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली माई पेरेंट्स मूव फ्राम ईस्ट बंगाल ईज पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन जैसे कि पंजाब में भी हुआ था और आपको पता है कि जो लोग वैसे आते हैं उनका बहुत कठिनाई के सामने सामना करता करना पड़ता है तो वी वॉर इन अ वेरी वो नॉट इन अ गुड गुड फाइनेंशियल सिचुएशन लेकिन माय फादर एंड माय मदर वर वेरी क्लियर कि वॉट दे कैन डू फॉर मी दे वॉन्टेड टू डू फॉर माई एजुकेशन एंड सो ऑन और ऐसा भी ऐसा भी एक समय था सामबरी टोल्ड माई मादर कि वॉट इज़ योर सन गोइंग टू डू यू लुक एट ऑल द रईस आदमी उन्हीं का बेटा जाके कुछ करेगा ये क्या कर सकता है तो सो फॉर माई मदर इट वॉज अ वेरी बिग थिंग दैट आई डू समथिंग मैं पढ़ना शुरू किया अच्छा स्टूडेंट था uh, सेकेंडरी सेकेंडरी में स्कूल से मैं फर्स्ट हुआ था उसके बाद आईआईटी गया आईआईटी में मेरे डिपार्टमेंट का टॉपर रहा तो ये सब करते करते मैं कलांबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गया वो लोग देख मेरा बायोडाटा देखा मेरा एक रिसर्च प्रपोजल देखा उसे देख के हमें मैं, पूरा आ, मतलब ग्रांट मिल गया स्कॉलरशिप मिल गया तो उसी के तहत हम नाइनटीन में हम देश छोड़ के आ, बाहर चले गए कलम्बी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ, लेकिन फिर भी मैं इंडियन सिटीज़न हूँ अभी तक मैंने सिटीजनशिप नहीं बदली बदली नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो आ, तो पढ़ते पढ़ते एक्चुअली हैड अ फैंटेस्टिक टाइम इन कलम्ब यूनिवर्सिटी क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि आ, हम लोग वो नाटक लिखने लगे और वो नाटक लोगों को पसंद में आया तो सारे शहरों से वो हम बुला, बुलावा आया हम लोग वो जाते रहे तो वो पीएचडी का काम मतलब आप मान लीजिए कि पीछे रह गया <laughs> तो वो मेरा वो जो एडवाइज़र है उनको पता भी नहीं था कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और उसी समय वो गल्फ वॉर भी शुरू हुआ था और उसका प्रोटेस्ट करते हुए हम लोग बाहर निकले तो बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मीटिंग था उसमें हमने हिस्सा लिए तो जैसे कि राजनैतिक ऐतिहासिक सामाजिक जो चेतना है वो पहले से ही मेरे में था और अभी भी है तो ये सलीलता का लिखा हुआ गाना है वो इप्टा जो हुआ करता था अभी भी है एक्चुअली लेकिन वो 1942 से चालू हुआ था उसी का गाना है बार জনস্রোতে নানান মতে মনোরথের ঠিকানা আ হবে চেনা হবে জানা পথে এবার নামো সাথী পথে হবে পথ চেনা অনেক তো দিন গেল বৃথায় সংশয়ে এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে অনেক তো দিন গেল বৃথায় সংশয়ে এসো এবার রিধারো বাধা পার হয়ে তোমার আমার সবার স্বপন মিলাই প্রাণের মোহানায় কিসের মানা আ! হবে চেনা হবে জানা ক্লম্বে মেবি বহুত সার কনসার্টস কিয়েম কনসার্টস প্লেজ সব কিছু কি तो वह करते करते पीएचडी का काम भी चलता रहा और ये जो हम लोग करना चाहते थे कि क्यों ना एक चिप बनाया जाए जो फिल्म को रिप्लेस कर सके तो उसी का मतलब उसी का काम चल रहा था और अचानक ये बन बन गया एक्चुअली वो एक भी एक इतफाक था कि हम लोग ये इन्वेंशन कर पाए क्योंकि हम चाहते थे कि जितने सारे मतलब पिक्सल्स जिसको कहते हैं जिसके तहत वो लाइट को पकड़ते हैं uh, उसी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग भी किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के सर्किट हम लोग बनाना बनाना चाहते थे लेकिन बन गया कैमरा uh, हमने uh, जब बनाया तो देखा कि वो बहुत अच्छा पिक्चर आ रहा है और वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है वो 28 एट बाई ट्वेंटी पिक्सल का अभी तो अब मेगा पिक्सल येगा पिक्सल की बात करते हैं उस समय सिर्फ़ वो ट्वेंटी एट कितना होता है हज़ार पिक्सल का एक एक हज़ार से भी कम हज़ार पिक्सल्स का एक कैमरा हमने बनाया थे और उससे पहले छुप तस्वीर लिए तो लोगों को तजुब हो गया कि ऐसा भी हो सकता है तो उसी से लेके वो 1993 का बात है ये 1993 के बाद सात साल लगे शायद लोगों को ये मानने के लिए कि ये भी कमर्शलाइजेशन हो सकता है और आ, पहला उसका जो चो पहला मतलब एप्लीकेशन था वो था वो ऑप्टिकल माउस आप ऑप्टिकल माउस देखते हैं ना जी जी। वो ऑप्टिकल माउस के अंदर भी एक छोटा सा कैमरा है तो वही उसका पहला एप्लीकेशन था उसको उससे लेके शायद ये पिल कैमरा के बारे में सुना होगा ये पिल अब ले, ले लेते हैं उसके अंदर एक कैमरा है अच्छा। वो आपके शरीर के अंदर जाके सारी तस्वीरें खींच के बाहर भेजता है ताकि पता चले कि अंदर कोई ब्लॉकेज वॉकेज है वो वो कोलोनोस्कोपी कहते हैं ना वो कोलोनोस्कोपी करने से पहले आ, जानना बहुत जरूरी है कि ब्लॉकेज कहाँ है तो, तो ये कैमरा के साथ आप, आप निर्णय कर सकते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है तो मतलब ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आने लगे उसके बाद वो सेल फोन कैमराज आ गया उसका मार्केट बहुत बढ़ गया उससे डी मतलब कि स्टिल कैमरा जो होते हैं उसमें भी लग गया और अभी तो खास करके फिल्म कैमराज जैसे कि रेड की कैमरा एडी का कैमरा वो ही यही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो मैं तो मानता हूँ कि हमारे इन्वेंशन के कारण एक दस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चालू हो गई तो ये इतना बड़ी भी बात नहीं लेकिन छोटी भी बात नहीं तो ये जो नासा में आ, काम करते हुए का क्या अनुभव रहा हम उसके बारे में बात करेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे तो पाइन के साथ जो कि मशहूर वैज्ञानिक और फिल्मकार हैं द डे वेंट ऑन द सेट आई फेल्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विल फेल क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ़िल्म बनाना स्पेस रिसर्च से ज़्यादा खतरनाक है <laughs> स्वागत तो एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तु में आज हमारे साथ हैं पाइन तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो आ, कैमरे की दुनिया में जो आपने इन्वेंशनस किए इसके अलावा नासा में रहते हुए कौन से ऐसे मौके आए जब आपको बहुत एक एक सेंस ऑफ प्राइड आपको महसूस हुआ देखिए पहले ये बात तो यह है कि जो वेन आई सी कि माई टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग इन स्पेस उसमें से एक अजीब सा आनंद होता है कि मतलब जिस जितने सारे तस्वीरें वो मार्स या हब, हबल के तहत हम देख सकते हैं mm -hmm. उसी के पीछे हमारा एक टेक्नोलॉजी हाँ। टे, टे, mm -hmm. है बट uh, मेरा एक्चुअली व्हाट आई फील रियली गुड अबाउट अबाउट नासा इसकी कितने सारे सब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए मिले mm -hmm. जैसे कि सर्च फॉर लाइफ कि हम लोग क्या बिल्कुल अकेला है ये सारी दुनिया में क्या हम लोग अकेला है या और भी कहीं मतलब लाइफ है आ, मैं तो मानता हूं कि लाइफ है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अब देखिए ये हमारे आ, अर्थ पे मतलब हाफ अ बिलियन इयर्स के बाद ही मतलब फोर बिलियन ईयर पहले वो हमारी अर्थ बन चुकी थी और उसके आफ्टर हाफ ए बिलियन ईयर्स लाइफ के मीन टू बींग तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाहर किसी और और प्लान में लाइफ नहीं है लेकिन उसका खोज में है हम अभी तक मिला नहीं आ, मैं कुछ कुछ एविडेंस मिला कि शायद मार्स में हुआ होगा mm -hmm. तो ये हमें हमें बहुत चौंक देता है mm -hmm. और जिस दिन और मैं मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं जीते हुए ये अभी हमें ये मिलेगा कुछ 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 संधान मिलेगा कि लाइफ है बाहर uh, तो वो एक बहुत बड़ा uh, मतलब एक्साइटमेंट होगा तो उसको लेके हमने काम किया और दूसरी एक जो है जो है एस्ट्रोफिजिक्स के साथ डार्क एनर्जी कि हमारे पूरी पूरे मतलब यूनिवर्स में जितने सारे एनर्जी कॉन्टेंट्स हैं उसमें से 82 परसेंट है ये डार्क एनर्जी तो ये डार्क एनर्जी चीज़ क्या है और वो उसको हम कैसे मतलब रिसर्च करें उसके ऊपर एक्सप्लोर करें वो मैं करना चाहता हूँ तो वो एक्चुअली नासा छोड़ने से पहले उसी को लेके हम लोग काम करते थे वो एक गीगापिक्सेल पिक्सल वाला कैमरा हम लोग बना रहे थे ताकि उसके तहत वो डार्क एनर्जी का मतलब डेंसिटी हम मैप कर सकें तो लेकिन वो शायद अभी तो हो नहीं पाया क्योंकि हम नासा छोड़ दिए लेकिन नासा छोड़ दिया इसका माने ये नहीं है कि विज्ञान छोड़ दिया विज्ञान का क्या, क्या बताऊँ वो इट्स लाइक स्विमिंग यू नेवर फॉरगेट तो विज्ञान का मैं काम अभी तक करता हूँ क्योंकि अभी वो कंसल्टिंग करता हूँ थोड़े बहुत कंपनीज कम्पन, के साथ और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको लेके मैं रिसर्च करना चाहता हूँ अगर ये पूछें कि नासा को छोड़ने का फ़ैसला क्या किसी एक एक्सपर्फ मोमेंट में हुआ या फिर एक प्रोसेस थी और वो प्रोसेस थी तो क्या थी हर एक चीज़ के बीच एक प्रोसेस होता ही है इसके पहले मैंने हम एक फिल्म मतलब प्रोड्यूस किया था अमू कह के वो 2000 2005 हाजा, साल में उसका नेशनल अवॉर्ड भी मिला था जैसे कि मैंने कहा कि मैं, मैं छोटे से मतलब पहले से ही हुई आर्ट के बारे में बहुत दिलचस्पी थी तो मैं आर्ट के ऊपर कुछ काम करना चाहता था हर समय तो इन्वेंशन शायद एक डाइवर्शन था इन्वेंशन के कारण हम मतलब आर्ट से हट गए तो 2004-2005 में मैं सोच रहा था कि कि इस दुनिया में कैसे वापस आऊँ तो उस समय क्या हो गया कि मेरा एक एडवाइज़र है सीनियर एडवाइजर उसने बोला कि देखो भाई आपका 45 साल की उम्र हो चुके हैं अब आपको सेटल हो जाना चाहिए बिल्कुल आपका जो जो करियर है उस उसमें आपको बिल्कुल सेटल हो जाओ इसके आगे आप जाके डिवीजन साइंटिस्ट बन जाओ इसके आगे शायद आप आ, सीन, आ, चीफ साइंटिस्ट बन जाएंगे ऐसा ऐसे वो कहने लगे मैं बहुत डर गया मैंने बोला कि अरे म, हमें बस इतना ही करना है <laughs> और कुछ नहीं करना है सिर्फ एक साथिस्ट चीफ साइंटिस्ट बनना है ये क्या बात है <laughs> चीफ साइंटिस्ट तो नहीं हर कोई नहीं बन सकता लेकिन बहुत सारे लोग बन चुके हैं लेकिन अभी पैंतालीस साल में ये सब कुछ ये दुनिया छोड़ के क्या मैं एक फिल्म बना पाऊंगा और वो क्या वो फिल्म ऐसी बनेगी कि वो थिएटर में आएगा मतलब मैं ये ये देखना चाहता कि जो मैं वॉट आई लाइक टू डू कि टेल अ स्टोरी विजुअली वो मैं कर पाता या नहीं, नहीं। वो कबिलियत मुझ पर है या नहीं, नहीं। तो जब मैं शूटिंग के लिए गया उसके पहले हमने कभी एक फिल्म सेट भी देखा नहीं हालांकि हमने अमू प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए थे लेकिन उसके सेट पे हम नहीं थे hmm. मैं लॉस एंजल्स में मेरे दो बच्चे के साथ थे hmm. आ, तो हमें कोई को, को, हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं था hmm. मैंने कोई कोई फिल्म स्कूल वगैरह कुछ कुछ, कुछ गए नहीं तो हमें तो लगता था कि शायद हम मैं फेल कर जाऊँ द डे आई वेंट ऑन द सेट आई फेल्ट लाइक कि कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विल फेल क्योंकि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कह सकता हूँ कि फिल्म बनाना स्पेस रिसर्च से ज़्यादा खतरनाक है <laughs> <laughs> um, क्योंकि फिल्म बनाने में एक्चुअली इतना अनसर्टनटी है mm -hmm. जैसे मैं न, नासा में जब मैं था वो मेरा टीम था मतलब तो बहुत सारे लोग थे वो एक इंस्टीट्यूशन था बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाता था mm -hmm. और पैसे की अगर सोचे तो मैं जाके प्रपोजल्स वगैरह लेके आ, सारे फंडिंग एजेंसीज के पास जाता था वो सब मतलब एक स्ट्रक्चर था उसमें नहीं। नहीं। जैसे कि मैं फिल्म बनाने लगा तो मैंने देखा कि कोई प्लान है तो यही कि कोई प्लान नहीं है नहीं। आप प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान जेड तक आप बना लो अब जब सेट पे जाएंगे तो वो सारे प्लान अब फेंक दो एक नया कुछ करना पड़ेगा आपको लेकिन वो प्लान ए प्लान प्लान ए से जेड तक बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप प्लान करते हैं तो आपको यह पता चल जाता कि ये फिल्म में है क्या <laughs> क्योंकि एक डायरेक्टर को जहाँ तक मैं मानता हूँ और मैं तो इसे पहला फिल्म है पता नहीं कि यह ठीक है या गलत है जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एक डायरेक्टर को ये होना बहुत जरूरी है कि वो विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये फिल्म जैसे कि आप फिल्म जब पर्दे पे देखते हैं दो घंटे का फिल्म है तीन घंटे का फिल्म है जो भी है जब हम आप शूटिंग करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता ना आपको पूरा वो थिन एयर से इसको बनाना पड़ता है तो उस समय अगर आप हिल गए कि अच्छा ये करो या वो करो तो पूरे यूनिट में एक प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये बहुत ये बहुत जरूरी है कि एक डायरेक्टर के विजन बिल्कुल बिल्कुल साफ रहे तो वो प्लान करने से वो साफ़ हो जाता है और मैं ये फिल्म बना पाया इसीलिए कि मैं मेरा विज़न शायद साफ था पता नहीं कि ये ठीक हुआ है गलत हुआ है लेकिन जो भी है वो विज़न बिल्कुल सही जगह पे था और वही मैं पहले जा, जान गया क्योंकि पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन जब मैं सेट पे था मैं पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली मेरा विज़न है क्या मैं इनसे पूछा उनसे पूछा और तभी जाके पता चला कि यह फिल्म का अगर विजन है किसी के पास तो मेरे पास ही है लोग मतलब एडवाइस दे सकते हैं लोग अगर शायद कहेंगे कि ये फिल्म मैंने ठीक तरीके से नहीं बनाया लेकिन अगर वो विजन, एक विजन मान के आप नहीं चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स शायद होंगे लेकिन फिल्म नहीं बनेगी अच्छा यहाँ पर ही एक सवाल ये बनता है कि आपके पास जैसे कि आपने कहा कि आपके बचपन से ही ये था कि भाई आर्ट कल्चर लिटरेचर ये सब चीज़ों में तो इतने सारे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में से सिनेमा को ही आपने आ, क्यों चुना बहुत बहुत अच्छा सवाल है uh, मैं तो ये मानता हूँ कि एक्चुअली लेनिन ने एक बार कहा था जी कि ऑल द मीडियम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम इज सिनेमा क्योंकि ये लोगों को ऐसे प्रभावित कर सकता है इसकी रीच, रीच मास रीच की वजह से मास रीच है इसकी अच्छा और किसी शायद आर्ट्स में ऐसा नहीं है मेरा मानना है कि अभी तक फिल्म को लेके जि, वो जितना दूर तक पहुंच सकता है वो शायद और कोई मीडियम उतना दूर तक पहुंच नहीं सकता और जिसमें सिर्फ दूर तक पहुंचने की बात नहीं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत बहुत चांसेस हैं तो मेरा ये जो कहानी है ये एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी कहानी है उस पर हम अभी आएंगे लेकिन हम अभी इसी सवाल पर टिकते हैं कि ये बताइए तो सही कि फिल्म को ज़ाहिर है आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी उससे पहले और जैसा कि आपने कहा कि जब आप सेट पर होते हैं तो आपके पास एक विजन होना ज़रूरी है या तो ट्रेनिंग आपके पास हो आप फिल्म में ट्रेंड भी नहीं थे उस तरह से तो एक कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आता है कि आप सब कुछ छोड़कर फिल्म बनाने के लिए उतर पड़ते हैं तो मतलब कहीं से कोई एक इनर कोई कंपलशन कोई मोटिवेशन तो हो मैं तो हर समय कहता हूँ कि देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड फुलिशनेस तो ये तो समय बताएगा कि ये ब्रेवरी था या फुलिशनेस था तो बट एज आट कि आई ऑलवेज कुड सी द फिल्म प्ले इन फ्रंट ऑफ माई आईज तो उसी से एक्चुअली कुछ uh, विश्वास मिला अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे गुफ्तु में और बातें जारी रखेंगे बेदोब्रतो पाइन के साथ जो कि मशहूर वैज्ञानिक और फिल्म बनाने की दुनिया में उतरे हैं मेरी जो कहानी है वो एक छोटे बच्चे का कहानी है ये छोटे बच्चे जिनको पता नहीं था कि वो एक ऐसा कर पाएगा वो तो बहुत सूडियस सा आदमी था मास्टर तो मर जाते हैं लेकिन वो ये बच्चा मास्टर को छोड़ के आगे जाता है और 1946 में एक कामयाबी हासिल हस, करता है स्वागत so, है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगु में आज हमारे साथ हैं बेदर तो पाइन बेदो हमें बताइए कि ये जो फिल्म आपने चित्रगा बनाई जो कि आपकी पहली फिल्म होगी जबकि आप इतने सारे कॉन्टेप्रेरी सवालों से जूझते रहे लेकिन फिल्म का विषय आपने जब पहली फिल्म बनाने की सोची तो एक ऐतिहासिक एक हिस्टोरिकल थीम चुनी आ, इसके पीछे क्या वजह है एक्चुअली मेरा फिल्म जो है बहुत रेलिवेंट है आज के लिए क्योंकि तो ये फिल्म का अंत में जैसा होता है तो वो देखते हुए आपको लगेगा कि ये शायद इंडिया में अभी भी ऐसा चल रहा है आपको लगेगा कि अमेरिका में जैसे कि वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा है या स्पेन या ग्रीस में जो एंटी ऑस्टेरिटी मेजर्स का कुछ चल रहा है वो आपको याद दिलाएगा तो ये फिल्म बहुत टॉपिकल है वैसे हाँ है हिस्टोरिकल फिल्म ऐतिहासिक फिल्म और मैं ऐतिहासिक फिल्म इसलिए बनाना चाहता था ऐसा कोई कोई नहीं कि मैं सिर्फ ऐतिहासिक फिल्म ही बनाऊँ hmm. मैं करंट टॉपिक्स पे भी फिल्म बनाऊंगा अगले अगले फिल्म वैसे ही होगा मैं ये सब्जेक्ट को इसलिए चुना कि इसमें दो चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छा लगा एक तो है वो जो मास्टर द शुज सेन वो पचास बच्चों को लेके पहली बार ब्रिटिश को एक ए, एक शहर से आ, हटा दिया था भगा दिया था तो हमें लगता है कि आज भी आ, इन, सिर्फ इंडिया में भी नहीं पूरे दुनिया में वैसी एक नई विजन की बहुत जरूरी है बहुत जरूरत है वो विजन पाना बहुत जरूरी है तो वो मास्टर द जैसा कोई आदमी मतलब आदमी नहीं वो विजन वो हुँ। चिंता हुँ। वो नए सिरी का चिंता वो अभी चाहिए हमें तो इसीलिए मैं ये फिल्म बनाना चाहता था कि मैं ये बोलना चाहता कि देखो अभी हमारे पास जो है और कोई आगे आके हमारा समस्या का हल नहीं करेगा हमें करना है हमें ये न, नया चिंता लाना है मेरी जो कहानी है वो एक छोटे बच्चे का कहानी है ये छोटे बच्चे जिनको पता नहीं था कि वो एक ऐसा कर पाएगा वो तो मतलब बहुत सूरियस सा आदमी था तो मेरी फिल्म जो है वो सफलता की फिल्म है और मैं ये कॉन्फिडेंस मैं ये विश्वास लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हो मतलब आज जितने सारे समस्याएं हैं उसको भी हम हल कर सकते हैं ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अगर वो विश्वास नहीं है तो हम सिनिक बन जाते कि अभी देखिए अब इंडिया में आ, हाँ इंडिया बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं हाँ हर एक हर एक रोज़ कोई ना कोई पेजेंट आत्महत्या कर लेते हैं आ, अभी भी वर्कर्स के ऊपर जुलम होता है तो उनके लिए कौन बात करेंगे तो मैं तो मानता हूँ कि जितने अभी इंडिया का बदल बदल आना है सही चेंज तो उसके ज़िम्मेदार तो ये पेजेंट्स वर्कर्स वुमेन यूथ ही होगा और ये यूथ की कहानी है तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं हमें तो पता नहीं कि चेंज कैसे आएगा हुँ. हमें वो पता नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो जो यूथ जो है वो शायद हमें रास्ता दिखाए बेद आखिर में हम आपसे आपकी फिल्म का वो गाना जिसको आप कहते हैं कि आपने खुद गाया हम आपसे सुनना चाहते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये गाना ईशान के लिए लिखा गया था और द फिल्म इज़ डेडिकेटेड टू तो ईशान फादर्स ट्रिब्यूट टू तो हि सन तो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ एक मिनट खुल गया नया द्वार है ईशान की झनकार है दे सलामी आसमां हौसलों में धार है ईशान